वैसे तो आए दिन झगड़े की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन कभी कभी झगड़ों की वजह इतनी मामूली होती है कि यकीन ही नहीं होता कि इस वजह से भी झगड़ा हो सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है रुड़की से, जहां एक पानी की बाल्टी के चक्कर में दो पक्षों में बड़ा विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई, जिसमें चार महिलाओं समेत 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं इस झगड़े की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के 84 गांव का है। पुलिस ने बताया कि एक परिवार के लोग रास्ते में रखी पानी की बाल्टी को लेकर आपस में बहस करने लगे। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को अपशब्द बोले गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मिलकर मामला शांत करवाया। लेकिन उसके बाद शाम को एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर 12 लोगों को लेकर पहुंच गए और मारपीट करने लगे। और जब दूसरे पक्ष के लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के कुछ लोग आए और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन बात बहुत आगे निकल चुकी थी, जिसके बाद भीड़ में से किसी ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और घायलों को उपचार के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है और अगर वो कोई तहरीर देते हैं तो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।